चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से ही, जहां कांग्रेस में समीकरण बिगाड़ सकते हैं बागी। पार्टी का 75 पार का समीकरण बिगाड़ेंगे बागी। मतदान के बाद हुई बागियों पर चर्चा, कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर में चर्चा हुई। निर्दलीय चुनाव लड़ कर पहुंचा सकते हैं नुकसान। 27 सीटों पर भीतरघातियों से नुकसान हो रहा है। बागी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है कांग्रेस। निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। करिश्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, ज्यादा जानकारी लेंगे उनसे। करिश्मा, अब की बार 75 पार कांग्रेस का ये नारा है और फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कांग्रेस की। इस बार जो है 75 पार सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कई सारे नेता इस बार जो है कांग्रेस से भागी हुए, उन्हें टिकट नहीं मिला और उनके अन्य अन्य कारण भी है, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के स्थिति की बात करते हैं तो 75 पार का नारा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगा रही है, लेकिन जितने भी बागी नेता है जिन्होंने चुनाव के पहले देख सकते हैं कहीं ना कहीं पलटी मार दी है कांग्रेस पार्टी से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि 75 पार की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी, लेकिन 27 सीटों पर जो है लीडर खातियों की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंच रहा है। रायपुर की ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई विधानसभाएं ऐसी है जहाँ पर ऐसे नेता है जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें दावेदारी का मौका दिया जाएगा और उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन जो है देखा गया कि उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पार्टी से नाराज हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में भी उतरे। तो ये एक ऐसी बात हो सकती है कि जिससे कांग्रेस का जो 75 पार का नारा है उसका समीकरण बिगड़ जाए। और बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे। इसमें दो चीजें थी, पहली तो टिकट ना मिलने की वजह से और दूसरी जिस प्रत्याशी को टिकट मिली है उससे कार्यकर्ता नाराज नजर आए, क्योंकि जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उस प्रत्याशी की उम्मीद में नहीं थे और वो एक तरीके से जो है प्रत्याशी को नापसंद भी कर रहे थे और लगातार प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र से बदलने की मांग भी कर रहे थे, आंदोलन करते नजर आए, राजस्व भवन के सामने देखा गया कि प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन कहीं भी जो है बदलाव नहीं देखा गया। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने जो दूसरे चरण के चुनाव के बाद समीक्षा बैठक चली, दो दिन की समीक्षा बैठक चली जिसमें नेताओं को डांट फटकार लगाई गई और देख सकते हैं कि 75 पार का ये जो नारा लगातार छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा कर रही थी, ये नारा कहीं ना कहीं फेल भी हो सकता है। 75 पार का ये जो बात कांग्रेस कर रही है, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उससे कम सीट हासिल हो, क्योंकि इनके जितने भी बागी नेता है वो कहीं ना कहीं भीतरी और आंतरिक तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव में उतर कर जो है तो जो वोट है उन्हें अपनी ओर एक तरफ जो है कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी के पहले काम करते थे और काफी चर्चित चेहरे रह चुके थे और ऐसे में कहीं अगर पार्टी को छोड़कर निर्दलीय उतरते तो एक छवि जो है उनकी पहले से ही अच्छी और सकारात्मक बनी थी, तो जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं निर्दलियों की तरफ भी शिफ्ट होते और इस भारी नुकसान जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता। तो देख सकते हैं कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार निलंबन और निष्कासन की कार्यवाही भी कर रही थी। जैसे ही देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने से हम बात करते हैं और कई सारी ऐसी गतिविधियां भी करते हैं जिससे पार्टी की इमेज को भी नुकसान पहुंचता है, तो निष्कासन की जो ये प्रक्रिया है लगातार कांग्रेस के चले और अभी भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर बनी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई रायपुर से, जहां कांग्रेस को बागियों का डर सता रहा है, बागी नेता जो है बड़ी चुनौती बनकर यहां पर सामने आ रहा है।